hello students welcome to my class in the last session we have discussed about refining or purification of metals and uh, the common methods which are discussed is liquefaction process cupellation polling vapor phase refining now in today's session we are going to discuss about electrolytic refining now in electrolytic refining द डेफिनेशन इज़ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ़ रिफाइनिंग अ मेटल by द प्रोसेस ऑफ electrolysis. Electrolysis के साथ अब हमने मेटल को प्यूरीफाई करना है तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा अब इलेक्ट्रोलिस में हमारी एक एनोड होता है कैथोड होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है और हम इनको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो यहाँ पर जो इमप्योर मेटल होगी वो होगा एनोड वाली साइड और प्योर मेटल कैथोड वाली साइड और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे हम जिस भी मेटल को प्योर करना है उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे सॉल्ट ऑफ सेम मेटल नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड निकल क्रोमियम एट्सेट्रा आर डिफाइंड बाय दिस मेथड नाउ अब इलेक्ट्रोलाइसिस में करते क्या है यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं अब दो हम लेते हैं मेटल की रॉड एक एनोड एक्ट करेगी और एक कैथोड दोनों को फिर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है तो अब यहाँ पर जो इमप्योर वाली होगी वो एक्ट करेगी आपकी एनोड और प्योर होगा आपका कैथोड तो इमप्योर वाली जो मेटल होती है वो हम मोटी होती है और कैथोड वाली साइड जो प्योर मेटल होगी उसकी थिन स्ट्रिप लेते हैं तो यहाँ पर मान लो अब हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर की कि कॉपर को अब हमने प्योरीफाई करना है इस प्रोसेस के साथ तो यहाँ पर एनोड वाली साइड होगी आपका एमप्योर कॉपर और कैथोड वाली साइड होगी आपकी प्योर होगी स्ट्रिप थिन स्ट्रिप कॉपर के अब यहाँ पर होगा क्या एनोड वाली साइड होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड वाली साइड होती है रिडक्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा अब इम्प्योर जो मेटल होगी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी एंड दैट इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स वन इज़ सॉल्युबल एंड सेकेंड इज़ इन सोलूबल अब सोलुबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएंगी और इन सोलुबल इम्प्योरिटीज़ क्योंकि ये एनोड वाली साइड है वो यहाँ डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगी फिर जिसको हम बोल देते हैं एनोड मठ और सोलुबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाएंगी अब यहाँ पर हम कॉपर की कर रहे हैं रिफाइनिंग तो इलेक्ट्रोलाइट भी हम उसी का ही सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर सल्फेट प्लस हम यहाँ पर डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर भी डालते हैं डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर डालने से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है सो दैट्स वाई वी एड डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर तो अब एनोड वाली साइड क्या होगा एनोड वाली साइड कॉपर जो है जो इमप्योर कॉपर है वो डिसोशिएट हो जाएगी कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन में अब ये जो टूल है कॉपर टू पॉजिटिव है वो आपका यहाँ सल्यूशन में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके एनोड वाली साइड रॉड में यहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर यहाँ से वायर के थ्रू माइग्रेट करके इधर कैथोड वाली साइड आने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव कॉपर के ऊपर यहाँ पर जो सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी अट्रैक्शन तो ये कॉपर टू पॉजिटिव क्या करेंगे ये जो टू इलेक्ट्रॉन कैथोड वाली साइड है यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा सो एट कैथोड कॉपर इज डिपॉजिटेड कैथोड वाली साइड आपकी रिएक्शन होगी कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर और दैट कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कैथोड साइड सो अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है उसमें हमने क्या क्या किया यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं दो रॉड्स लेते हैं एक एनोड एक कैथोड एनोड वाला इमप्योर साइड होगी कैथोड वाली साइड आपकी प्योर मेटल होगी दोनों को बैटरी के साथ अटैच करते हैं फिर करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तब आपका एमप्योर वाली जो मेटल है वो डिसोशिएट कर जाती है यहाँ पर जैसे इम प्योर वाली साइड जब कॉपर हमने लिया इम प्योर तो कॉपर जो है वो दैट विल गिव कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये जो टू इलेक्ट्रॉन है ये फिर यहाँ से माइग्रेट होकर आपके कैथोड वाली साइड जाएंगे और कॉपर टू पॉजिटिव सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी अट्रैक्शन और फिर कॉपर जो है

सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम इंडियम बेरिलियम। दीज मेटल्स आर प्योरीफाइड बाय जोन रिफाइनिंग अब इस मेथड में करते क्या हैं हम यहाँ पर हम इमप्योर मेटल को एक रॉड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इम प्योर मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ रॉड और बार एंड विच इज़ हीटेड एट वन एंड विद मूविंग सर्कुलर हीटर उसके एक एंड पर एक सर्कुलर हीटर लगाते हैं तो सर्कुलर हीटर लगा रहे हैं मूविंग मूवेबल वो धीरे धीरे ऐसे मूव करता जाएगा तो अब होगा क्या कि जब हीटर आपका हीट करेगा तो जहाँ पर हीटर होगा वो वाला पार्ट आपका मेल्ट करना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे हीटर आपका स्लोली मूव करेगा इस पूरे जो रॉड की लेंथ है तो वहाँ से अब प्योर मेटल जो है वो जोन रिफाइनिंग में ये प्रिंसिपल है कि यहाँ पर जो प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है पर इम्प्योरिटीज जो हैं वो मेल्ट फॉर्म में ही रहती हैं जो मोल्टन जोन होगा वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आ जाएंगी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होती तो जैसे जैसे हीटर आपका मूव करेगा तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज हो जाएगी और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मोल्टन जोन में रहनी शुरू हो जाएंगी तो इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं ताकि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हमारी एक साइड पर इकट्ठी हो जाएं फिर हम उस एंड को जैसे मान लो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हमारी सभी इकट्ठी होगी फिर हम इस एंड को कट ऑफ करके डिस्कार्ड कर देते हैं तो इस प्रोसेस में जो हमें एलिमेंट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्योरिटी का मिलता है एंड सेकंड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं मोल्टन जोन में पर प्योर मेटल जो है वो आपका क्रिस्टलाइज कर जाता है सो दिस इज़ जोन रिफाइनिंग